फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिल टेरेस गार्डन में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना ये बहुत पुराना प्लांट सिखा रही हूँ जिसका नाम है गुडलक, और इसको गृहलक्ष्मी भी बोलते हैं और ड्रेसिना भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेसिना की फैमिली से ही आता है। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको इस प्लांट्स की प्रूनिंग करने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ। फ्रेंड्स, इस प्लांट्स की जो एज है वो तकरीबन 12 साल हो चुकी है, और मेरे यहाँ अब ये थोड़ा डल होने लगा है। जो इसकी लीव्स में बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो मैं इसकी जो ऊपर से ब्रूनिंग करके इसका जो नीचे का एरिया है रूट्स वाला, उसको फ्रेंड्स आज हटाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं है। इसी पॉट में फ्रेंड्स मैं इन सब की कटिंग करके और इसी में लगाने वाली हूँ। तो आप लोग चाहते हैं अगर इसकी कटिंग कैसे लगती है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, ये पानी में भी बहुत ईजिली ग्रो होता है और बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं। मैं आपको इसकी जो मैंने कटिंग लगाई है वो भी आपको दिखाती हूँ कि वो कितनी हेल्दी हैं। और इसकी नीचे से ब्रांच देखिए आप, अभी कितनी पतली पतली हो रही है ना, ये देखिए। इसमें तो अभी आप देख रहे हैं नई सूट्स निकल के आ रही है ना। तो फ्रेंड्स, ये अब उतना हेल्दी प्लांट नहीं रहा जितना मुझे चाहिए था, इसलिए फ्रेंड्स मैं इसकी कटिंग करके और इसके नीचे का एरिया बहुत पुराना है। आप देखिए हो रहा है ना पुराना। तो मैं इसी पॉट में फ्रेंड्स इसकी सारी कटिंग लगाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और फिलहाल मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, कितने चौड़े पत्ते हैं इसके, है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग को मुझे 6 महीने हो गए लगाए और काफ़ी अच्छे से निकल के आए हैं। और मैंने 6-7 कटिंग लगाई थी एक साथ, इसके प्लांट्स देख रहे हैं आप कितने हेल्दी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ, तो आइए देखते हैं कैसे कटिंग करते हैं। इसकी बहुत पतली पतली जो ब्रांचेज हैं बहुत पतली हो गई हैं, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है फ्रेंड्स। और ब्रांच इसकी कम से कम अच्छी मोटी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें कट लगा दूं। ये वाला नीचे से अलग से हो रहा है, इसको भी काट दूं मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चाहें तो सारी ब्रांचेस को बैठा करके और एक पॉट ले लें, जो कि मैंने इस तरीके का पॉट लिया है, और उसमें वाटर भर के और आप इस तरीके से इसको अपने घर में सजा सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगता है और नीचे इसकी रूट्स भी निकल के आ जाती हैं। ये पानी में भी बहुत ईजिली चलने वाला प्लांट है फ्रेंड्स, बट इसको मुझे अपने इस प्लांटर में लगाना है, तो देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। जब 10-12 साल पहले मैं लाई थी तो सिर्फ इसकी, ये देख रहे हैं, एक ही ब्रांच थी, क्योंकि ये कटिंग से होता है, तो ये कटिंग से माली ने एक लगाया होगा। और मैंने ये नीचे देख रहे हैं कितने कट लगाए हैं इसमें, एक ब्रांच में स्टार्ट कर दिया था कट लगाना, 1, 2, 3, 4, तो ये कटिंग करते करते आपको इस तरीके का प्लांट हो गया था ये। और अब ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, इसलिए मैं अब इसको निकाल दिया है। कम से कम 12 साल पुराना प्लांट है फ्रेंड्स मेरा ये, और आज मैं इसको रिटायर कर रही हूँ, क्योंकि इसकी लगभग एज पूरी हुई है। अब इसमें वो ताकत नहीं है फ्रेंड्स जो प्लांट्स को बहुत अच्छा चलाए, तो मैंने इसको निकाल दिया है। और अब मैं अपने पॉट की जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पॉट की मिट्टी को अच्छी तरह खोद के गुड़ाई कर दी है, और अब इसमें हम अपनी कटिंग लगाते हैं। अब 1 बाई करके लगाते हैं और देखते हैं कैसे लगती है। आप चाहें तो इसको पानी में लगा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, और मुझे इसकी कटिंग थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। हाँ, तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये कुछ ब्रांच मैंने छोटी कर दी हैं,
क्योंकि जो नीचे से निकल के आएगा ना वो तो बढ़िया लगेगा फ्रेंड्स। और मेरा ये पॉट है ना जो पूरा भरा भरा हो जाएगा और अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। उसमें खाली खाली हो गया था, प्लांट काफ़ी पुराना था। इस तरीके से फ्रेंड्स ये हेल्दी चलेगा फ्रेंड्स प्लांट मेरा। मैंने लगभग जितनी भी इसकी कटिंग थी पतली सी, ये देखिए कितनी पतली पतली कटिंग है। अभी नीचे से इसको ताकत मिलेगी कि ब्रांच भी मोटी हो जाएगी फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी पतली है देखिए, इसको भी मैं लगा देती हूँ, साइड में जगह है। मैं फ्रेंड जल्दी प्लांट्स को अपने फेंकती नहीं हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें सारी ब्रांच लगा दी हैं और मेरा पॉट जो है वो पूरा भर चुका है। और जब ये नीचे से निकल के आएगा ना फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा भरा भरा और इसके हेल्दी पत्ते निकल के आएंगे, चौड़े चौड़े एकदम रेड जैसा मैं चाहती हूँ। तो आज मैंने अपना 12 साल पुराना जो प्लांट था जो कि तकरीबन उसकी एज पूरी हो रही थी, बूढ़ा हो गया था, तो मैंने उसे फ्रेंड्स हटा दिया है और इसकी कटिंग लगा ली है। वैसे तो मैंने इसकी कटिंग से गुडलक के प्लांट्स की जो भी कटिंग है मैंने कई जगह लगा रखी है और कई बार मैंने अपने वीडियोस में आप लोगों से शेयर करा है। जो भी भाई बहन इंटरेस्टिंग है वो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें मैंने काफ़ी सारी कटिंग लगाई है। वैसे आप चाहें तो ये जो कटिंग है वो डिवाइड करके एक प्लांट से दो प्लांट तीन प्लांटर में लगा सकते हैं प्लांट्स, क्योंकि इसमें इतनी सारी कटिंग है कि दो तीन प्लांटर्स अच्छी तरह रेडी हो सकते हैं। बरसात का मौसम है और बरसात में वैसे भी ये कटिंग बहुत अच्छी चलती है, तो मैंने काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि मैं इसकी ब्रूनिंग करके इसके प्लांट्स को हटाने वाली हूँ। पुराना हो चुका है और जो ताकत प्लांट्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं बहुत पतली होती जा रही हैं, जो कि इसकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं और रेड हो जाती हैं, बट वो चीज़ नहीं आ रही थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ब्रूनिंग करें अपने प्लांट्स की, अपने प्लांट्स को पहचानें कि किस तरीके से हमारा प्लांट्स काम कर रहा है, किसको क्या चाहिए। और फ्रेंड्स ये गुडलक का प्लांट्स काफ़ी अच्छा होता है वास्तु के हिसाब से, हमारे घर में ये हमारे घर में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। तो जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उनको मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, अपना समय देते हैं और कमेंट्स करते हैं, उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद है फ्रेंड्स। और उन भाई बहनों से जो लोग वीडियो देखते तो ज़रूर हैं पर कमेंट्स नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ बट मेरा चैनल थोड़ा सा नहीं चल पा रहा है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। बाय फ्रेंड्स।